और एंजॉय करो। आप लोग भी मोनिका को विश करिए उसके अच्छे भविष्य के लिए। क्या बात है, समीर ने विश किया तुमको। चलो, सरोज ने भी कर दिया। ओके ठीक है, नितिन भी कर दिया। नितिन तो जो बढ़िया शायरी वरी लिख के बर्थडे विश करता है, मतलब है। नितिन का मैंने बर्थडे देखा, पता नहीं क्या वो आरसीसी जैसे जुड़े रहे। मोनिका को विश किया था मैंने देखा। विक्रम ने भी किया था, बट विक्रम ने पता नहीं, विक्रम ने सादा किया था। मैं कहा चलो भी नितिन से उसकी शायरी सुनता हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, 8 रुपये, कैसे 8 रुपये स्क्वायर फीट क्या था नितिन, 8 रुपये स्क्वायर फीट और 80 ऑटोकैड के 800 रुपए, स्केट 80,000, और पूरे प्रोजेक्ट का 8 लाख। ढेर सारा कमा हुआ है। मैं क्या बड़ा क्रिएटिव आदमी है यार। तो मैं देख क्या बोलते आप बोलते रहो कि इस प्रोजेक्ट के 80,000 मिल जाएंगे, 50,000, तो ये बोलते ही कि मेरे को 80,000 चाहिए। 80,000, 8 लाख से नीचे नहीं होऊंगा मैं। बिल्कुल, अभी अगर क्वालिटी इनहेंस करे तो 80,000 तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, 8 लाख वाला थोड़ा अच्छा अमाउंट था, उसको ऐसे ब्लेसिंग करो कि वो 8 लाख रुपए कमाए। चलो ठीक है, फिर भी क्या बोलते हैं, देखो अपने इंडस्ट्री के अंदर ना पैसे बहुत हैं, ठीक है। सिर्फ तरीका और माइंडसेट थोड़ा अलग चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म चाहिए इसमें, आप कैसे प्रोफेशनल होके बात करते हो। अपना इंडस्ट्री बस इसी चीज़ से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से वर्क कर लिया तो इन ऑल इंडस्ट्रीज देर आर लॉट्स ऑफ अमाउंट्स वी कैन अर्न, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कुछ बोलना चाह रहे हो, अजीब कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? ठीक है, डिस्कशन ही है, नॉर्मल डिस्कशन ही है। एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन आंसर देने आया हूँ, मेरा आज एकादशी का फास्ट होता है, तो सबको पता होगा आज एकादशी। तो हमने सोचा कि जस्ट आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन आंसर दे दूँ, जिससे कि वीकेंड्स पर आप खाली न रहें, ठीक है, और आपके पास ढेर सारा वर्क बना रहे। तो वर्क बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ना हमारी कंसिस्टेंसी की आदत पड़ी रहती है। चलो, तो सबने क्वेश्चन आंसर बना लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और जिससे कि आगे हम लोग और बना सके। मैं अभी आपको बैठ के आपके क्लास से पहले, बल्कि आपका क्लास में मैं 3 या 4 मिनट लेट आया, उसका मैनेजर ने, तो मैं क्वेश्चन आंसर ही रेडी कर रहा था। और अभी मैं डायनेमिक्स पे रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। अर्थक्वेक का फिनिश हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर डायनेमिक्स का रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। एक डायनेमिक्स का कर लेंगे, इसके बाद अपना काम खत्म। और बेसिक्स तो आप सबको आते हैं, फिर भी बेसिक्स का क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दे रहा हूँ आज, ठीक है। जिनको आप बेसिक्स के तौर पर पढ़ेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक इन द सेंस M20 का मिक्स प्रोपोर्शन, ये सब बेसिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बेसिक के लिए भी दे रहा हूँ और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मोनिका मेरा रह गया था, अरे तुम्हारा स्टेटस लगाई थी तो फिर उसमें तो कवर हो गया ना, अभी कितने थैंक यू लोग हैं, ठीक है। तुमने और विक्रम ने, सबने किया था। तो मैं जनरली पता क्या होता है, मैं स्टेटस देखता नहीं हूँ, और क्यों नहीं देखता हूँ उसका रीज़न रहता है कि स्टेटस की बहुत लंबी लिस्ट होती है। तो आज देखा तो मोनिका का बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो, और इसी महीने में मेरा भी बर्थडे रहता है, तो इसलिए थोड़ा बर्थडे देख लेता हूँ सबके। चलो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अभी हम लोग को रेडी करने हैं इस वीकेंड्स पे, ठीक है। सो दैट कि वी कैन क्रिएट दैट, ठीक है। तुमने चॉकलेट नहीं दिया, हाँ यार चॉकलेट इसको दे दो। तो अभी हम लोग कैसे चॉकलेट दे सकते हैं बताओ, उसका कोई मेथड बताओ, तो फिर चॉकलेट हम लोग की तरफ से तुमको मिल जाए। चलो, जोमेटो, जोमेटो से जाता है क्या चॉकलेट? अगर कोई जाता है तो प्लीज कोई मेरे तरफ से भेज दो इसको। क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है सब थोड़ा सा जोमेटो वोमेटो के बारे में, ठीक है। जोमेटो ऑर्डर, खाना ऑर्डर करना मुझे आता है, पर कैसे भेजेंगे, अगर आप मेरे से कोई भेज देता है तो स्पॉन्सरशिप मेरी तरफ से रहेगी अच्छी वाली। इसको एक चॉकलेट और जो भी अच्छा कोई से केक हो भेज दो। चलो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं, हम लोग ने कौन कौन से क्वेश्चन रेडी किए, पहले देखता हूँ आपने कितना मेहनत किया, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कंसिस्टेंट होके। अच्छा चलो, अच्छी बात है, आपने भी किया है। मेरा बर्थडे कब है, ठीक है। ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, ओके ठीक है, मनी मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, डोंट वरी। बस क्या बोलते हैं उसको, कौन करेगा बता दो,
कोई करना चाहेगा प्लीज़, मतलब कैसे करते हैं मुझे खुद ही नहीं पता है, ठीक है? तो अगर कोई कर देगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप में से कई लोग, सर मेरा है 23 को यार, 23 को है, ठीक है, 23 मार्च को है, पर उस दिन मैं नागपुर में हूँ, मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, और बड़ी दिक्कत है कि घर पे भी नहीं हूँ, पुणे में भी नहीं रहूँगा और मैं नागपुर में रहूँगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो इसलिए मुझे जाना है, ठीक है। अच्छा, नहीं यार इतना लेंदी नहीं चाहिए था तुमको, मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ पाए तुम लोग अभी शायद, ठीक है, इतना हैवी क्वेश्चन है सर, गूगल से कॉपी पेस्ट करना है लेकिन दिमाग लगाना था, इतना ज़्यादा नहीं, जैसे कि अभी ये इसके बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस कितना करोगे, इतना इंट्रोड्यूस करोगे ऐसे नहीं, ठीक है, ये तुमने क्या किया, जस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया, बहुत हैवी हैवी, इतना नहीं, जो पढ़ने के बाद समझ में आए ऐसा कॉपी पेस्ट मारना है, देखते हैं शायद इन्हें कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। देखो हमें फेस टू फेस मॉक में बोलना है, उसको आंसर करना है, इस लेवल का क्वेश्चन आंसर रेडी करो, जैसे अभी इन्होंने, अब देखो इनका क्वेश्चन ही ऐसा है कि इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन किया सपोर्ट रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, ओके, एक्सप्लेन बिल फॉर द आरसी बिल्डिंग्स, ओके, ठीक है। अब देखो ऐसे चाहिए था अपने को, देखो इन्होंने लिखा ना टाइप्स ऑफ फ्रेम, तो रिजिड फ्रेम, ब्रेस्ड फ्रेम, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, ठीक है, फ्लो डायाफ्रेम, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा चाहिए था, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे फ्लेक्सिबल डायाफ्रेम इन्होंने सही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो ये रिजिड डायाफ्रेम को भी सही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ऐसे सिंपल सिंपल एक्सप्लेन करने थे, साहित्य ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ठीक है। और देखते हैं रेहान ने कैसे किया हुआ है, भाई एकदम शॉर्ट में करो, मतलब हम कोई वो थोड़ी एग्जामिनेशन नहीं हो रहा हमारा, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है इसका, देखो रेहान ने कैसे किया है, बेस आइसोलेशन के बारे में बता दिया, बहुत बढ़िया। देखो इसने पिक्चर्स दिखा दिए तो समझ में आ जाएगा, अच्छा डायगोनल टेंशन फेलियर क्या है, टू क्रशिंग क्या है, ठीक है, और राइट सॉन आई एस कोड प्रोविजन फॉर रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग के लिए उन्होंने आई एस कोड जो प्रोविजन थे वो लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स दे दिया इस रेट्रोफिटिंग के बारे में, ऐसा चाहिए था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लबा लबा सबका ही अच्छा है, ठीक है, जिन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है, पर अभी आज भी दूंगा तो एकदम शॉर्ट में लिखिएगा, जैसे कि हमें इसका वो कर देना पीडीएफ, सॉरी वर्ड फाइल भेज दोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हम लोग मिला सके। राइट योर नोट ऑन सिस्टम डैमेज अगर, ओके ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कि लेंदी था, ठीक है, स्ट्रक्चर रेगुलर के बारे में दे दिया, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इरेगुलरिटीज दे दिया, ओके ठीक है, कोशिश करना सभी लोग शॉर्ट में आंसर सर्च करके शॉर्ट आंसर बनाना, ठीक है, आज भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है लेकिन एकदम शॉर्ट शॉर्ट बनाओगे तब मजा आएगा, ठीक है, तो कौन कौन बनाएगा बता देते हैं, आप लोग एक एक करके बना दीजिएगा, आप सिर्फ अपना अपना लिखिए, याद रखिएगा कि आपका ये वाला है, कहाँ गया पार्ट टू, आज खुला नहीं, पार्ट टू यहाँ पर मैंने आपको भेजा है, ठीक है, अभी बस अर्थक्वेक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अब आप लिए डायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैं रेडी करूँगा, ठीक है, डायनेमिक्स बड़ा लेंदी होता है, एक दो क्वेश्चन ऐड भी किया डायनेमिक्स का मैंने, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हो सकता है आपको फिर से क्वेश्चन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छी चीज़ है ना आपके लिए, इसको आतिश पाटिल, पाटिल कब कहाँ थे, पाटिल तुम आए नहीं थे, तुमने कुछ मैसेज किया था मैं देख नहीं पाया, पर किया था तुमने, कहाँ थे आतिश, आवाज नहीं आ रही है, तो ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस मैग्नीट्यूड और इसके बारे में, सुनामी के बारे में, और हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ आ रहा है, कहाँ थे सर पहले, कल कल सर बारिश ही थी ना, तो लाइट वगैरह गई थी, हाँ तो इन्वर्टर नहीं था। ओके कोई बात नहीं, ये देखो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट में, जैसे अभी सबने लिखा है ना, देखा ना, शॉर्ट में पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चंस का पूरा सेट बना रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगभग 100-150 क्वेश्चन बनाएंगे उसके सेट, जो सो दैट इंटरव्यू में आसानी से हम बता सके किसी को, तो उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर बताना है, ठीक है, अपने से लिखना है, अपने इन द सेंस गूगल से ही करना है, पीपीटी बनाना है इसका, ठीक ठीक है, फर्स्ट उस 4 ना सर, सॉरी पहले 4 ना? हाँ पहले 4 बस हो गया तुम्हारे, बस ओके 4 ही है, ठीक है ओके ओके, सर। ठीक है, नेक्स्ट 4 बनाएंगे अजीम,
अजीम नेक्स्ट चार आपको बनाने हैं, जिसमें से एक अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के बारे में बताना है, एक बताना है सिस्मिक डैमेज के बारे में, एक शॉर्ट नोट्स हमेशा देखो शॉर्ट में, एक बहुत बड़े बड़े नहीं, कोशिश करो कि एक स्लाइड में एक आंसर हो जाए, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन अजीम बनाएंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसे विक्रम बनाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन शेयरवॉल इन डिटेल्स, ठीक है, शेयरवॉल के बारे में विक्रम बताएंगे, थोड़ा इसको डिटेल में जाना, ठीक है, इसीलिए केवल एक क्वेश्चन दिया है, तो जिसमें ज़्यादा की ज़रूरत है हम खुद ही बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के जो नेक्स्ट चार क्वेश्चन है, ठीक है, ये चार क्वेश्चन बनाएंगे, कौन बनाएगा चार क्वेश्चन, आलम बनाएंगे, ठीक है। आलम ये चारों क्वेश्चन तुम रेडी करना, जिसमें इलास्टिक रिमाउंट के बारे में बताना, कल थोड़ा सा मैंने बताया था, टेक्टोनिक के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा डिफरेंट वेव्स वेव्स के बारे में बताना है, और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। तो ये चार क्वेश्चंस को आलम अपने हिसाब से शॉर्ट में पीपीटी में, और पीपीटी एकदम ब्लैंक रहेगी जैसे सबने बनाया उस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। और इसके बाद रेहान तुमने बनाया है ना आज का क्वेश्चन, हाँ रेहान ने बनाया, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अभी नितिन को देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन को, ठीक है। नितिन ये आप नीचे के चारों क्वेश्चंस को आप क्लियर करेंगे, जिसमें से आपको बताना है जस्ट अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के बारे में, और क्या बोलते हैं डंपिंग के ड्यूरिंग द अर्थक्वेक या फिर उसके बाद जो डैमेज होता है उसके बारे में। तो ये बेसिक्स चार क्वेश्चंस हैं जिनको आप नितिन रेडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद के नीचे क्या बोलते हैं ये तीन क्वेश्चंस हैं केवल, ठीक है। तीन क्वेश्चंस को रेडी करेंगे, कौन तीन क्वेश्चंस को रेडी करेंगे, देखो सरोज तुमने कल वाला क्वेश्चन रेडी नहीं किया, तुम यार काम नहीं करते हो दोस्त, गलत बात है, ठीक है। और शशांक आप ये रेडी करेंगे तीन के तीन क्वेश्चंस, और उसके बाद इसमें बस सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल रखना है, ठीक है। और ये केवल एक क्वेश्चन है, बट इसके बारे में डिटेल में लिखना है, शेयरवॉल कॉन्सेप्ट और सॉफ्ट स्टोरी, ठीक है। इसके बारे में केवल एक बार एक के बारे में ही रेडी करना है, इसको रेडी करेंगे, ठीक है। अभी हमने आदेश ने कर लिया, विक्रम ने कर लिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मोनिका रेडी करेंगे, मोनिका आपको लिखना है सॉफ्ट स्टोरी के बारे में और शेयरवॉल के बारे में लिखना, बस एक टॉपिक है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद के ये दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे छोटे, ये भी है रेट्रोफिटिंग है, बेसलाइन बेस आइसोलेशन सिस्टम्स है, ठीक है। तो इन दोनों को रेडी करेंगे, ठीक है। वैभव रेडी करेंगे, केवल दो क्वेश्चन है वैभव, ठीक है, नेट से ही सर्च करना है, कोई अपने से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद के नेक्स्ट जो चार हैं इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कौन रेहान, कल इन्होंने किया था, फिर से ये चार क्वेश्चंस को रेडी कर लेंगे। और फिर दो क्वेश्चंस हैं जिनको ये रिपीट है क्वेश्चन एक्चुअली, पर मैं चाहता हूँ देखता हूँ किसका अच्छा आंसर रहेगा उसी का रखेंगे। तो समीर ये दोनों आंसर्स आपको लिखने हैं, ठीक है, ये दोनों समीर को लिखने हैं। अब बचे यहाँ से लेके एकदम छोटे छोटे करके लगभग नौ क्वेश्चंस हैं, कितने नौ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये नौ क्वेश्चंस हैं एक साथ, पूरे के पूरे नौ क्वेश्चन हैं, एक से लेके नौ तक। बस कोशिश करना है कि दो से तीन लाइन में या फिर पांच लाइन में, ज़्यादा नहीं। तो ये नौ क्वेश्चंस को रेडी कौन करेगा, साहिति रेडी करेंगे, ठीक है, इन नौ क्वेश्चंस को रेडी करेंगे साहिति, एकदम सिंपल सिंपल साहिति, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे आज आपने किया है बहुत अच्छा किया है, बस उसी तरीके से। और उसके बाद के लगभग टू लाइन आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टू लाइन आंसर्स, ठीक है। तो टू लाइन आंसर्स में आपको यहाँ पर 18 क्वेश्चंस हैं, ये 18 क्वेश्चंस कौन रेडी करेगा, ठीक है, जिसके लिए अभी क्वेश्चंस का आलम बचा नहीं है, ठीक है, इसका हो गया, अजीम इसको रेडी करेंगे, ठीक है। अजीम तुमको नहीं दिया था ना मैंने भी, अजीम एक बार बता देना, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस एक वन लाइन आंसर्स हैं, तो आपको बस रेडी करना है, 14 क्वेश्चन हैं, सॉरी 18 क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आंसर बस ऐसे करके, ठीक है। तो ये जैसे कि व्हाट इज सिस्मिक टेक्टोनिक, ठीक है, और क्या बोलते हैं सिस्मिक इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं, अर्थक्वेक पैरामीटर क्या क्या है, बस ऐसे वन लाइन आंसर्स में करके 18 क्वेश्चंस आज ही लिख देंगे, दैट्स इट। इतने क्वेश्चंस को जिसने रेडी कर लिया उसको कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसके बाहर बचा ही नहीं, एक्चुअली मैंने पूरा रिसर्च कर लिया। अब बचा हुआ है डायनेमिक्स, जिसके लिए नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे और डायनेमिक्स भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अजीम आवाज गई ना मेरी, ठीक है, समझ आ गया ना, ये 14 क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस है, एकदम सिंपल सिंपल है। हाँ सर, हेलो, हाँ अजीम हो जाएगा ना, हाँ सर, हाँ कल आपने दिया था सर मुझे, मैं एक करा, एक ही बाकी है। ओके, ये वन लाइन आंसर्स है, ठीक है, जिसको आप सैटरडे संडे में वन लाइन आंसर्स करके रेडी कर देना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, वन लाइन, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, एकदम सिंपल में।
चलेगा। ओके सर। ओके सर, रोज तुम्हारा क्यों नहीं हुआ अभी तक क्वेश्चन आंसर? ठीक है, नितिन का हो गया, समीर का हो गया। देखो अभी अगर आप लोग फोकस होके करोगे तभी मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, मैं देखो बहुत टाइम लगा रहा हूँ इसको करने के लिए सर। थोड़े स्टील स्ट्रक्चर्स के मेरा प्लान है, स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, मैं स्टील स्ट्रक्चर्स को भी ले आ रहा हूँ। ठीक है, बट पहले ना डायनेमिक करेंगे, तब स्टील स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे रेहान। ठीक है, डायनेमिक्स और उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर्स को। सर कोई एक प्रोजेक्ट में डायनेमिक्स एनालिसिस का भी बता देना। ओके ठीक है, बता देंगे डायनेमिक्स एनालिसिस भी बता देंगे। ठीक है, अभी तो डायनेमिक्स में एंट्री किए हैं, चाहो तो डायनेमिक्स इसी में कर लो। और अभी कितने लेक्चर्स वॉच किए? एक लेक्चर में हमने बताया भी है डायनेमिक्स करके दोस्त। ठीक है, एक लेक्चर में मैंने पूरा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करके दिखाया हुआ है। ओके आज ही मिलता है। ओके कोई बात नहीं, तो कर लो आज, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर रेडी कर देना। ठीक है, चलो कुछ बोल रहे थे समीर, बोलो समीर कुछ बोल रहे थे। सर 10 कितने पेज बनाए पीपीटी में इसका, दो क्वेश्चन का सर जो है? वो दो क्वेश्चंस बस, 3 से 4 पेज ऐसा। देखो ये ओके हमारा सर। एम क्या है? एम है कहीं लिखना नहीं है, हमें एम है कि कोई हमसे फेस टू फेस पूछ लिया तो हम उसको क्या बताएंगे आंसर, बस इतना लिखना है। ओके सर। ठीक है, ये कैसे है कि अपन अगर मान लो 3 पेज का लिख भी दिए, याद होगा क्या? कोई याद तो करेगा नहीं। डन सर, डन। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने भेजे हुए हैं, देखा क्या? हाँ सर देखे थे सर, वो थोड़े डेप्थ में थे सर वो क्वेश्चंस। ठीक है हाँ, लेकिन लाइन आंसर जो थे बहुत एक एक लाइन के ही थे। हाँ सर, हाँ लाइन एक एक लाइन की थी सर। हाँ तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, अपने को छोटे छोटे आंसर्स करके भेजना है। ठीक है ओके सर, चलेगा। आलम बोल रहे हैं सर आई जस्ट शेयर जैम फाइल विद मीटिंग है। ओके, ये जैम फाइल क्या होता है यार? अच्छा इसने बनाया हुआ शायद क्वेश्चन है सर। क्या क्या भेजा है आलम तुमने? इसमें कुछ तो आया हुआ है 1 पेज का, बस समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है ओके, प्रोजेक्ट सबने स्टार्ट कर दिया क्या? कुछ दिक्कत आया हो प्रोजेक्ट में तो पूछ लो। ठीक है, नहीं दिक्कत आया हुआ तो अभी जाके सीधे फोकस होके प्रोजेक्ट को फिनिश करना है अपने को। और क्या बोलते हैं, तो केवल 2 लेक्चर्स को हम लोग को वॉच कर लेना है, लेक्चर नंबर 30 और 31। ठीक है, 2 लेक्चर्स को वॉच करना है जिसमें डायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, लेक्चर नंबर 30 31। और ये वाला प्रोजेक्ट करना है अपने को, जो गर्ल्स हॉस्टल वाला प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट आया हो, किसी को कोई एरर आया हो तो डेफिनेटली आप पूछ लीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट करके आएंगे तब। ठीक है, अभी तो कोई किसी ने किया नहीं है, हमें 2 दिन दे दिया, सब आराम करने लगे। ठीक है, सेंड कर दिया सर। ओके हेलो हेलो सर, वो SP16 का डिटेलिंग का कोड का बताइए ना सर, वो प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा डिटेलिंग में। SP16 का ना? जी सर। हाँ आई मीन SP16 तो यार डाउनलोड किया था, उसको बारे में प्लान कर रहा था कि SP16 का भी कुछ करते हैं। ठीक है, देखता हूँ SP16, कोशिश करता हूँ कि मंडे को मैं करा दूंगा जिम। ठीक है, और क्या मैं अभी देखता हूँ, अगर अभी मिल जाए तो अभी मैं सोचता हूँ। SP16 का एक्चुअली ऐसे समझ नहीं आएगा डायरेक्ट, IS कोड में देख रहा था तुम लोग के लिए, एक बार मैंने प्लान भी किया, पर क्या हो रहा है ना कि IS कोड बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो मेरा ये प्लान था कि उसका ना कुछ शॉर्ट में उसका निकाल लिया जाए, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे IS 456 का किया था, तब समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और अदरवाइज तो भाई SP16 तुमको खुद से पढ़ना, वही सिंपल सी बात है कि बस उठा लिया कर दिया, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं डक्टाइल डिटेलिंग्स का हम लोग मंडे को एक क्लास करेंगे जिसमें पहले समझेंगे डक्टाइल डिटेलिंग होती क्या है। ठीक है, क्योंकि IS कोड तो आप खुद ही पढ़ लोगे, मेरा क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं डक्टाइल, इसके लिए मैं मंडे को एक डक्टाइल डिटेलिंग का क्लास लगाता हूँ और उसी दिन क्वेश्चन आंसर दे दूंगा डक्टाइल डिटेलिंग से रिलेटेड, जो कि डायनेमिक्स का ही पार्ट है ना, तो क्वेश्चन आंसर भी रेडी कर लेंगे और वो भी हो जाएगा। ठीक सर, ठीक हो पाया? ओके कंप्लीट करना है? नहीं नहीं अच्छा ओके समझ, और 26 तक हुआ है क्या? ठीक है, शायद फिर रिड्यूस कर देते हैं, केवल 27 28 करते हैं, मुझे नहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ठीक है, 27 और 8 करते हैं। ठीक है ओके। हाँ आलम बोलो, कुछ बोल रहे थे, क्या भेजा है तुमने? सर मैं नहीं भेजा, वो एक और है नूर आलम सर, वो भेजा सर। अच्छा नूर आलम ने भेजा क्या? यस सर। नूर आलम तुमने क्या भेजा है? सर ये पूछ रहा था सर, कैट रिवार डाउनलोड किया सर, चल नहीं रहा यार कैड रिबार, मैंने भी डाउनलोड करके देखा। सर 2012 में चलेगा वो ऑटो कैड, वो उसका की भी सब कुछ है। 2012 में चलेगा क्या? यस सर। तुमने इंस्टॉल किया क्या? इंस्टॉल ये सर किया उसको अभी, फिर ऑटो कैड बोला था 2012, तो 2012 ऑटो कैड अभी डाउनलोड किया सर, अब उसको इंस्टॉल करेंगे। किसने बताया? उसी में सर अब ये दिया हुआ था, उसका जो वो रहता है ना सर, हाँ, जी उसी में सर लिखा हुआ था। भेजोगे क्या? यस सर। भेजो ना, मुझे मुझे भी चाहिए एक्चुअली यार वो, मैंने ना इसमें किया 2020 में,
पर वर्क भी कर रहा है, पर वो कैसे ना कोई कमांड वर्क कर रहा है कोई कमांड नहीं वर्क कर रहा है, मैं काफी परेशान था मैं खुद ही। मुझे भी भेज दो, मुझे मतलब ग्रुप पे भेज दो, सबके लिए हो जाएगा यस सर ठीक है। सब करेंगे नहीं इंस्टॉल, क्योंकि मेरे लैपटॉप में दो ऑटोकैड चल सकता है, इतना थोड़ा कन्फिगरेशन ठीक है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ना, चलेगा तो भेज देना ठीक है। यस। ओके नूर आलम, तुमने क्या भेजा था इसमें ग्रुप में, क्या चीज़ है हमें समझ नहीं पाए हम लोग। सर आई 456 का टेबल नंबर 18 में कॉलम इफेक्टिव लेंथ कैसे लेते हैं बताइए। ठीक है यार आई 456, ओके ठीक है। नूर आलम तुमने क्या भेजा था इसमें ग्रुप में, हेलो कंपनीज में ज़्यादातर अभी तो 16 ही यूज कर रहे हैं, 16 वर्जन सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं ठीक है, कंपनीज में 16 वर्जन सबसे बेहतर और वही एक्चुअली यूज ही कर रहे हैं लोग ठीक है। चलो तो हम लोग इसके क्वेश्चंस के रेडी करेंगे सारे के सारे ठीक है, मैं डक्टाइल डिटेल्स को, हेलो नहीं यार इसका माइक ऑफ नहीं हो रहा है, नूर आलम अपना माइक ऑफ कर देना ठीक है। चलो तो अभी हम लोग डक्टाइल डिटेलिंग्स को मंडे को हम लोग पढ़ेंगे, केवल डक्टाइल की क्लास करेंगे, और डक्टाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चंस बना के आओ, आंसर बनाने बहुत टाइम जाएगा, क्वेश्चंस रेडी करके आएंगे जिनको आप जिनके आंसर सिर्फ रेडी कर लेना सिंपल, जैसे अभी हम लोग ये किए, उसके बाद ये डायनेमिक्स नेक्स्ट वीक करके और फिर हम लोग सेफ के अंदर एंट्री कर लेंगे ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो तो अच्छा रहेगा, तो लेक्चर नंबर 27 28 वॉच करके गर्ल्स हॉस्टल कंप्लीट करके, और ये 4-5 क्वेश्चन तो दिया है तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक तो है नहीं। कुछ लोग के बेसिक सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी वीक है, तो उनके लिए कुछ नोट्स है मेरे पास, जो अगर वो पढ़ लेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, सबको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल है ठीक है। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिए, जिसको लगता है कि सर मेरा बेसिक्स एकदम बहुत वीक है तो वो लोग क्या करना, ये कंप्लीट बीआईएम गाइड में यहाँ पर ऊपर बीआईएम के क्वेश्चन से उनको इग्नोर कर देना, आप पेज नंबर 8 पर डायरेक्ट आ जाना, कहाँ पर आ जाना, पेज नंबर 8, बहुत सिंपल सिंपल जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग होती है जिसको बोलते हैं, पेज नंबर 9 पर है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है। क्या दिया हुआ है, सीमेंट किसने सर्च किया, आरसीसी को किसने सर्च किया, सीमेंट कितने डिग्री पर बर्न करता है, सीमेंट के 1 क्यूबिक में कितने सीमेंट बैग्स आ सकते हैं, वेट ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फीट होता है, 9 इंचेस की वॉल जो है उसके लिए कितनी ब्रिक्स होती है लगती है उसके अंदर ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, अब ये मुझे पढ़ाऊँ तो मतलब कोई समझदारी नहीं है, आप पढ़ सकते हो आराम से ठीक है। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है स्टेयर केस का स्लोप कितना देना है, तो 25 डिग्री से 40 डिग्री होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज मिनिमम स्टेयर वेट जो होता है 900 mm होता है, आपको आता है तो मत पढ़ना, नहीं आता है तो जरूर पढ़ लेना, स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट, सैंड कहाँ से आती है, मद्रास में सबसे अच्छी सैंड होती है ठीक, सैंड का सीमेंट का एक्सपायरी डेट कितना होता है, हुक का लेंथ कितना होता है, हुक का एंगल एंगल ऑफ हुक कितना होता है, वेट कैसे निकालेंगे किसी भी स्टील मेंबर्स का, डी स्क्वायर बाई 162.2 ठीक है, यूनिट वेट ऑफ द स्टील क्या होता है ठीक है, और स्टील स्टील मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होता है, फिर 500 में ये 500 क्या है ठीक है, यूनिट ऑफ यूनिट वेट ऑफ मतलब वही डेंसिटी ऑफ आरसीसी पीसीसी कितनी होती है, तो पूरा लिस्ट वाइज दे रखा है, पूरी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एडवांस है नो डाउट ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है कि मिनिमम ग्रेड अगर आरसीसी है तो उसमें मिनिमम M20 यूज करना चाहिए ठीक है, पीसीसी है तो M15 उसमें यूज कर सकते हैं, और उसके बाद लेंथ ऑफ जो स्टील का एक सरिया की पूरा सेट होता है वो 12 मीटर का होता है 40 फीट का, पाइल फाउंडेशन का SBC अगर 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से लेस है अगर SBC तो वहाँ पर पाइल फाउंडेशन करेंगे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर रखते हैं या फिर जिसको हम लोग 10 फीट के नाम से जानते हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा स्टीरअप्स को कौन से शटरिंग को कितने दिन में निकाल देना चाहिए, पूरा IS कोड से यहाँ पर लेके रखा गया है। उसके बाद फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती है उसकी कंप्रेशन कितनी होती है 105 kg/cm², सेकेंड क्लास की 70 kg/cm², थर्ड क्लास या फिर कॉमन ब्रिक का 35 kg/cm², फायर ब्रिक का 125 kg/m², सीमेंट के कितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट के बारे में यहाँ पर दे रखा है ठीक है, कंक्रीट के कितने टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट के बारे में दे रखा है ठीक है, बहुत डिटेल में ठीक है, आपको हर एक टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद किस चीज़ के लिए कवर कितना देते हैं सारा, ब्लीडिंग क्या होती है, और उसके बाद ब्रिक का साइज क्या होता है स्टैंडर्ड ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम फ्री फॉल कितना होता है,
इधर देखो लैप लेंथ कॉलम में कितना लेंगे, बीम में, कॉम्प्रेशन में कितना लेंगे, टेंशन में कितना लेंगे, स्लैब में कितना, इसमें स्लैब में कितना लैपिंग लेंगे, स्टील का परसेंटेज किस में कितना होता है, तो ये देखो पूरा का पूरा स्लैब में 0.1 से 0.12% तक होता है, बीम में 0.2 से 4% तक होता है, कॉलम का पता है आपको, पुटी का दिया हुआ है, ठीक है। किस चीज़ का कितना मिनिमम लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट थियोडोलाइट 20 सेकेंड, प्रिस्मेटिक कंपास 30 मिनट, लेवलिंग स्टाफ, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1 हेक्टर में कितने एकर्स होते हैं, 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, 1 गैलन में कितना, 1 केजी में कितना, ये पूरा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती हैं, और ये ब्रिक्स कैसे होती है, विथ मोर्टार होती है, विदाउट मोर्टार 550 ब्रिक्स होती है, M5 से लेके M25 तक का पूरा मिक्स प्रोपोर्शन यहाँ पर दे रखा है, एकदम परफेक्टली आराम से आप इसके मिक्स प्रोपोर्शन को भी पढ़ सकते हैं। इसके नीचे दे रखा है कि स्लैब में कितने डाई का बार यूज करना चाहिए, कॉलम में कितने डाई का बार यूज करना चाहिए, सर्कुलर कॉलम में कितने डाई का बार यूज करना चाहिए, मिनिमम डाई बार्स कितना होना चाहिए, स्टीरर्स क्या करता है, कॉलम्स क्या करता है, स्ट्रट क्या करता है, ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पर पेज नंबर 11 और सॉरी 9 10, पेज नंबर 9 और 10 को अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो आपकी पूरी बेसिक से एक बार रिवाइज हो जाएगी, नो डाउट एडवांस के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं छोड़ रहेंगे कि बस इतने पर छोड़ देंगे इसको, ये जो हम लोग इतना क्वेश्चन ऐसे बना रहे हैं ना, इसके बाद इसका एक रिटन टेस्ट कर देंगे, ठीक है। और रिटन टेस्ट में क्या होगा कि आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे और रिवाइज हो जाएगा हम लोग का, तो ये बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन पहले आप क्या करिए, हाँ आलम बोलो, नूर आलम बोलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मैं आरसीडी हाँ बोलो बोलो जी सर, आरसीडीसी क्या बोल रहे हो, आरसीडीसी में सर मेरा कॉलम फेल हुआ, फिर रीडिजाइन करने के बाद सर अपडेट का ऑप्शन पर क्लिक करें तो सर वो सेव सेव का ऑप्शन आ रहा है। हाँ तो सेव कर दो, अपडेट करोगे तो सेव सर तो अपडेट करेगा ना, नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हो अभी, जी सर करो, कुछ मिस्टेक कर रहे होगे इसके वजह से नहीं हो रहा होगा, और क्या ऐसे नहीं उसमें डायरेक्ट मोबाइल से हो क्या, अभी हम लोग को कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता, अगर तुम लैपटॉप से होते तो दिखता भी है, ऐसे नहीं दिखेगा लैपटॉप से, लॉग नहीं समझेगा ऐसे, सर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है सर। हाँ अपडेट कर रहे हो तो क्या दिखा रहा है, करो अपडेट पे क्लिक, हाँ सेव करो, सेट बेस फाइल नॉट फाउंड, बेस फाइल नहीं मिल रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा होगा, तुमने तुम्हारा जो स्टेट का फाइल होगा वो एक फोल्डर में प्रॉपर सेव नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर नहीं रखे होगे, तो वो बता रहा है कि बेस फाइल नॉट फाउंड, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये फाइल वो फाइल नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पर वो सेव करे वो नहीं समझ आ रहा है उसको, ये दिक्कत होगा, ठीक है। एक बार देख लो, एक फोल्डर में सेव कर दो उसको, ठीक है, मैंने सेंड कर दिया, ओके ओके ठीक है। ओके नितिन कुछ बोलना चाह रहे हो क्या सर, एक वो प्रोजेक्ट भेजा सर वो देख लीजिए, ओके ओके चलेगा। माइक बंद कर देना आलम, अच्छा क्या बात है, ओके मैं इसको देखता हूँ बाद में रिवर कैट को, ठीक है ग्रुप में भेज देता हूँ, सो दैट कि इफ एनीवन वांट दे कैन चेक। पास हो गया क्या नितिन साहब, जी सर होगा, मेरा आरसीडी करो सर, मेरा आरसीडी से चल नहीं रहा, आरसीडी चल ही नहीं रहा क्या, मेरा भी आरसीडी सर नहीं चल ही नहीं रहा, ईटीएम में है ना ये सर, तीनों सर ऑटोकैड भी है, स्टेट भी है और वो भी ईटीएम भी, ओके अच्छा वो प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है क्या लग रहा है मुझे, हाँ सर
ने अच्छा किया कि तीनों पकड़ लिया, सो दैट ही कैन कंपेयर दैट ऑल द मॉडल्स, और नो वार्निंग्स में कर लिया है, और बड़ी बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मली कॉलम है। एनालिसिस पे नहीं लगाऊंगा क्योंकि एनालिसिस पे लगाने से आप सबको पता है ये बड़ी फाइल है, सीरो वाले इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, सेल वेट भी लगाया हुआ है, लाइव लोड भी लगाया है, तुम परफेक्ट है। ठीक है, वो तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, हो जो मेंबर तुम पास नहीं हो रहे थे तुम्हारे, अब कुछ होने लगे कि नहीं? हाँ सर, कम हो गए पर हो रहे हैं अभी भी, पर कम वो हो कम हो रहा है ना, तो वही मोर गए। प्रैक्टिस मोर कर परफेक्शन, वही वाला हाल है। क्या बात है, प्लान तो अच्छा बनाया, तुमको प्रेजेंटेशन देना चाहिए था इसका। वो सर वो पीपीटी ही नहीं बन पा रही इसलिए समझ दे नहीं आ दूंगा रहा? पर हाँ बनाओ, क्योंकि कैसे एक जितना एक्टिविटी करोगे ना तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। प्लान तो बहुत तगड़ा बनाया तुमने, मतलब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया, क्वालिटी वर्क किया है इसने। देखो ये जब मेहनत करते हो ना तो वो इसी यही मेहनत तो आपको बनाता है पूरा का पूरा परफेक्ट। अब इसका इनको क्या चाहिए था, इसका एलिवेशन कर देना था। मेहनत लगता है एलिवेशन में, बट इनको ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। एलिवेशन भी है सर, कहाँ पर है? वो दूसरी फाइल में मतलब इसमें भेजा हुआ अच्छा सेक्शन एलिवेशन से। नाइस, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया है, तो लग रहा है तुम मेरा बिजनेस एक स्टार्ट करवा दोगे ये एलिवेशन में। ठीक है, ये क्या इधर ये कॉलम कैसे हवा में रहेगा क्या इधर? नहीं सर, ये मैंने वो फर्स्ट फ्लोर से लिया उसको मैंने। ओके ओके ठीक है, ओके बैक एलिवेशन ऐसा है। हमारे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा होटल के और चलते हैं, रीज़न ये टूरिज्म प्लेस है ना, तो अभी मैं बल्कि देख रहा था एक जगह पे बनारस में एक घाट के किनारे एक बंदे ने अपना होटल खोला है, तो उसके उसको देखते देखते मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि हम भी अपने घाट पे चला सकते हैं। अच्छा कॉलम इंडिया आउट, ओके नाइस, अच्छा बनाया, मेहनत किया है। कितना मिनट पूरा टाइम लग गया इसको करने में? सर प्लान में तो सर प्लान प्लान में 3 4 दिन चलेगा, और बाकी उसको पास करने में तो बहुत टाइम लगेगा, जरूरी था सबसे पास। ज्यादा टाइम पास करने में। ये बहुत कम स्टील लग रहा है, सिस्मिक हाँ लगाया सर, जैसे? सिस्मिक लगाया सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। ठीक है, कि वो मेन परसेंटेज देख के ही आइडिया लग जाता है कि ठीक है इनकम कुछ एरर आ रहा है। कौन से वाले में एरर आ रहा है तुम्हारे में आलम? अच्छा आरसीडीसी है क्या? ओके, अरे यार स्टेट फाइल भेजो ना, आरसीडीसी मेरे पास नहीं है, मेरा चल ही नहीं रहा आरसीडीसी, मुझे मैं इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। आलम भेज कर रखो स्टेट फाइल, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, मंडे को ये जो 4 5 क्वेश्चंस बनाने हैं ये तो मुश्किल से आधे घंटे का काम है, इसको कर लेंगे। और जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसको कोशिश करना कि सैटरडे संडे से अच्छा टाइम नहीं मिलेगा तो सैटरडे संडे को गर्ल्स हॉस्टल ख़त्म कर देना। उसके बाद क्या बचेगा अपना, सिंपल सा लेक्चर 2 करने हैं, लेक्चर नंबर 27 28, 2 घंटे का काम है। तो कुल मिला के बना जो पूरा टास्क है लगभग 5 6 घंटे का है, वीकेंड से पहले कर लो, वीकेंड्स को एंजॉय करो। हाँ समीर बोलो। सर वो सर्टिफिकेट का पूछना था मुझे कि हमें एंड में मिलेगा ना सर्टिफिकेट जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड में मिलेगा, एंड में एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट पास करोगे तब मिलेगा। अच्छा सर, और टेस्ट के पूछना था सर्टिफिकेट में सर जो ऑटोकैड जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो इकट्ठे मेंशन होंगे या कैसे, या सेपरेट सेपरेट? सबका एक इंडिविजुअल मिलेगा, मिलता तब है जब टेस्ट पास करोगे। पहला चीज याद रखो, टेस्ट सबका होगा। ठीक है, टेस्ट पास करने के बाद टेस्ट में क्या रहेगा, जो अब तक पढ़ाया गया वो सारा कुछ रहेगा। ठीक है, और उसके वो 60% पासिंग रहता है, जो पास नहीं कर पाता है वो टेस्ट नंबर 2 देता है। ठीक है, वो भी जो पास कर पाएगा टेस्ट नंबर 3, 3 टेस्ट ही मौका मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा मौका। ठीक है, तो सर उसमें एक, बोलो बोलो। हाँ हाँ सर बताइए सर तो बताइए। उसमें ऑटो कैड रहेगा, स्टैट रहेगा, सबके अलग अलग सर्टिफिकेट्स रहेंगे। उसके बाद एक इंटर्नशिप लेटर मिलेगा, जो कि ये रहेगा कि आपने 4 महीने इंटर्नशिप किया हुआ है हमारे गाइडेंस में, ऐसा। लेकिन उसके ओके लिए सर, ये टेस्ट पास करना कंपलसरी है।
ओके सर, जैसे ऑटो कैड का सर्टिफिकेट मेरे को चाहिए था सर, मैंने कंपनी में डालना है ना अपना रिज्यूमे, तो करेक्ट, वो अगर हाँ तो सर उसे कंपनी में अगर मांगेंगे तो सर मैं उनको दिखा दूंगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। बिल्कुल दिखा सकते हो। तो सर ऑटो कैड का टेस्ट वगैरह कब दे सकता हूँ मैं, या कभी नहीं, उसको जब तुम्हें चाहिए होगा कंपनी का ऑफर लेटर हमको दिखा देना कहाँ अभी? पर दिखाना हाँ है, जी ठीक है? सर, मुझे तो अभी दे दीजिए सर, मैं तो वैसे अप्लाई करना अभी शुरू करूँगा सर। अप्लाई करो, सिलेक्शन लो, कहीं पर लग रहा है मैं तुरंत रेडी कर दूंगा, ऐसे नहीं मिलता है, वो मिलता है एक ठीक साथी है है, सर, ठीक है? लेकिन हम किसी को जॉब थोड़ी रोकेंगे, ठीक? तुम तो जानते हो मैं जॉब के लिए हेल्प करूंगा ना, तो किसी को जॉब में आवश्यकता है तो मैं अपना काम छोड़ के भी पहले बना के दूंगा, लेकिन पहले नियम रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक हाँ है? मैं सोच रहा हूँ ना सर कि हमें स्ट्रक्चर में जो मिल जाएगा ना, स्ट्रक्चर ड्राइंग का काम मिल जाएगा ऑटोकैड में, तो मतलब तो जॉब ले लेंगे इसे में ऑटोकैड के थ्रू, क्योंकि स्टैट वही टाइम में अभी डेप्थ में बहुत टाइम लगेगा सर। और ऐसा रिवीट कुछ का, हाँ सर जैसे ट्राई रिवीट करो। भी जरूरी है वैसे, तो रिवीट अगर हो जाएगा तो बाकी वो सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा बाद में, बट मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो कैड आ जाएगा तो उसी बेस पे मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इतना आसानी से मिलता नहीं है, जब तक नहीं नहीं सर, इस्तेमाल ऑटो नहीं कैड का तो किया। मैं कर दूंगा, ऑटो कैड का आप मेरे को टेस्ट बता दीजिए क्या क्या करना है, क्या बता दीजिए वो मैं कर चलो दूंगा। बता देंगे, जिस दिन रहेगा हम बता देंगे, ठीक है? चलो ठीक है ओके, आलम कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ये सर, सर वो स्टैट में पास हो जा रहा है लेकिन आरसीडीसी में सर वो फेल हो जा रहा है कुछ कॉलम। ये प्रॉब्लम कभी कभी होता है, क्या करो कोई आरसीडीसी में रेनफोर्समेंट का साइज बढ़ा दो, और बढ़ाने के बाद जब डिटेलिंग करना तो जो स्टेट का फाइल है उसी के हिसाब से करो, ये सर ठीक है? स्लैब में भी हो जा रहा है सर, स्लैब हो गया स्लैब को कितनी बी एमएम पे फेल कर रहा है? दो तीन स्लैब जो है सर वो नहीं दिखा रहा सर, ठीक है, उसको 150 किया है कि 125 किया है? 150 क्या सर। 150 किया है, ठीक है? उसको 200 करके पास करो, बट कंटिन्यू करो उसको 150 पे सिंपल, ठीक है? यस क्योंकि 150 का ही थिकनेस सफिशियंट होता है, तुमको पता ही है। तो ये कभी कभी आरसीडीसी जो अपना क्रैक वजन होता है ना, ये क्रैक वजन का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ठीक बीम में है? सर, बीम में भी सेम, रेनफोर्समेंट बढ़ा के पास करो, बट डिटेलिंग जो करो बीम के स्टैट के फाइल के हिसाब से, क्योंकि स्टैट ही लास्ट रिजल्ट और पहला रिजल्ट यही है, यस सर, ठीक है? हाँ रेहान बोलो। और शशांक तुम कहाँ थे अभी, तो इतनी छुट्टी क्यों ले रहे हो? हेलो सर। हेलो, हाँ रेहान बोलो। सर वो जो सबमिशन ड्राइंग करते हैं सर लास्ट में, वो हाँ कैसे करते हैं सर, जो क्लाइंट को सबमिट करते हैं ड्राइंग्स? ठीक, अभी बताऊंगा। अभी जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, सेफ का एक क्लास ले लो, ठीक है? जिसे सेफ का क्लास लेते हो तो सेफ से क्या होगा, फुटिंग का हो जाएगा, ईटीएफ्स का, कॉलम बीम का हो जाएगा, और मिला के सबमिट कर देना है, सिंपल, जी सर। ठीक हेलो है? सर, हाँ हाँ नितिन बोलो। सर ये होटल का आइडिया मोनिका ने दिया था सर, वो मैसेज कर रही कि मेरे को नाम नहीं लिया ठीक तो है, हाँ अच्छा, उसका क्रेडिट है, मतलब तुम्हारा उसमें ज़्यादा योगदान नहीं है, ठीक नहीं आइडिया था अच्छा बनाया आइड मैंने। ओके, केवल आइडिया तक का उसका था, हाँ ठीक, चलो बढ़िया। तो उसने हेल्प भी किया कि केवल आइडिया ही दिया? दोनों। ओके, नहीं, तब तो सही है, तब क्रेडिट उसको ही मिलता है थैंक यू मोनिका। चलेगा। और क्या बोलते हैं, कहाँ क्या, शशांक, शशांक चलेगा क्या? शशांक अपना माइक ऑन करना, कहाँ गया वो तुम? ये इसका नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे रहता है इसके वजह से बहुत दिक्कत हो रही है इसको। हाँ शशांक, आवाज़ नहीं आ रही हेलो यार। हाँ शशांक, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ गया वो? सर थोड़ा तबीयत भी खराब था, थोड़ा घर भी चले गए थे, उसलिए ओके, थोड़ा थोड़ा होंगे पीछे। 18 नंबर तक कंप्लीट है मेरा लेक्चर, अभी फास्ट करो, वही है फास्ट करो, उसका। दस हाँ दस थोड़ा और सा ही है, थी। इंजीनियर हो, 10 घंटे लगा दो एक साथ खत्म करो, ठीक है? हाँ सर, वो तो करना ही जी है। हाँ, नहीं थोड़ा सा लगा दो, क्या है ना शशांक, अभी तुम तो जान रहे हो कि अब तुमसे अच्छा कौन समझेगा कि जिस जॉब में हो कितना मेहनत पड़ रहा है, ठीक है? और वर्क लाइफ का क्या बैंड बजता है तुमको अच्छे से पता है। और दूसरी बात है सर, ये जॉब जानते हैं सर, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा सर, नहीं हो क्योंकि पाएगा। प्रेशर ज्यादा रहता है, डांट फटकार भी ज्यादा है कि 6 बजे क्यों चले जाते हो साइड से। वही बोल रहा हूँ, बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरा तो खुद का दोस्त लगा हुआ था वहीं पर, वो पीछे वो रेलवे का ट्रैक नहीं बन रहा है, देखा होगा रेलवे का ट्रैक बना हुआ है ना एनटीपीसी के अंदर, MGR, हाँ MGR। हाँ, तो मेरा दोस्त ही बनवा रहा था, उसमें साइट इंजीनियर था, छोड़ के आ गया वो, ठीक है, सुल्तानपुर का था वो, तो बोला यार नहीं हो पाएगा। वो राइट्स कंस्ट्रक्शन वाला देखा होगा बोर्ड तुमने, राइट कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो राइट्स वाले बनवा रहे थे उसको, तो उसमें वो थर्ड पार्टी से लगा था, बट बाहर हो गया, मतलब काम नहीं हो पाएगा, बहुत हैक्टिक है, धूप में, या जानते भी मई जून आएगा, देखना क्या हाल होगा मई जून में। मई जून में तो हम है ही सर यहाँ पे, लेकिन भाई सबसे बड़ा बात है कि शाम के 6 बजे भी लोग नहीं छोड़ने को तैयार हो रहा है। नहीं ये तो वही ना, कि अभी दिक्कत क्या होती है ना, कि अगर हम उनको हमारी वैल्यू पता चलने लगे ना, तो फिर देखो सब कुछ हर कोई सुनता है,
ठीक है। दिक्कत क्या है कि मल्टीपल लोग अवेलेबल हैं ठीक है तुम्हारे हाँ सब सही रिप्लेसमेंट में, तो इसके वजह से ये सब जितने भी लोग हैं वहाँ पर यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मल्टीपल लोग अवेलेबल हैं, तो वो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग थोड़े रेयर हो जाए तो देखो, वैसे रेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सिविल इंजीनियर्स थोड़े से रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये बेनिफिट है अपने लिए कि अपनी डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है चलो ठीक है, ठीक करो जो बचा हुआ है इसको कंप्लीट करो ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो ठीक है, फिर हम लोग मंडे को आगे करेंगे कंटिन्यू ठीक है। होप सो कि आप तब तक सारे असाइनमेंट्स को निपटा दो, सैटरडे संडे का सही यूटिलाइजेशन कर लेना गाइस ठीक है, क्योंकि बुधवार को एक टेस्ट रखा हुआ है जिसमें कई चीज़ें आपकी इंक्लूड है, बताऊंगा क्या क्या इंक्लूड है मंडे को बताऊंगा उसके बारे में। इंजीनियरिंग आज भी रियर, यस परफेक्ट इंजीनियरिंग आज भी रियर है, बोलो बोलो समय जल्दी से बोल दो सर कल प्रेजेंटेशन होगा क्या? ठीक है। अगर फ्री रहा तो जरूर हो जाएगा ठीक है, अगर फ्री रहा तो ऐसा सर आपको मैं फाइल ही भेज देता हूँ सर जो बनाया फाइल, तो मैंने। फाइल ठीक तुम भेज दो, अगर उनको लगा तो कर लेंगे ठीक है, फाइल तुम है भेज सर। दो ठीक हाँ ठीक है सर। चलेगा।